For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पिछले साल ही सलमान खान फिल्म टाइगर जिंदा है से स्वैग से करेंगे सबका स्वागत सॉन्ग में नजर आए थे। इस गाने को बॉलीवुड का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव गाना माना जाता रहा है, क्योंकि इस गाने में दुनिया के अलग अलग कोनों से 100 से भी ज्यादा डांसर्स लाए गए थे, जो स्पेशल यूनिटी और सेलिब्रेटरी गाने में नाचते नजर आए। और अब सलमान ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और वो भी अपनी आने वाली फिल्म भारत के सर्कस गाने के साथ। ये सॉन्ग काफी खास होगा, क्योंकि इस गाने के लिए मेकर्स ने एक पूरा सर्कस खरीद लिया है, और ये गाना दो अलग अलग देशों में शूट किया जाएगा। इस गाने का पहला सेगमेंट मुंबई में शूट हुआ है और अगला सेगमेंट आयरलैंड में शूट होने वाला है। इस गाने में सलमान खान और दिशा पाटनी कुछ स्पेक्टेकुलर स्टंट्स परफॉर्म करने वाले हैं, और इस गाने की कोरियोग्राफी भी अव्वल दर्जे की होगी। तो जब से हमने इस स्पेशल गाने के बारे में सुना है, हम इस गाने के बारे में और जानने के लिए हो रहे हैं बेताब। और आप? पूरी दुनिया नवरात्रि फीवर एंजॉय कर रही है, और हालांकि बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट सारी दुनिया से कटे हुए हैं, फिर भी उन्हें इस वीकेंड का वार एपिसोड में नवरात्रि का फील मिल सका। यहां हम देख सकते हैं कि किस तरह डांस दीवाने शो के कंटेस्टेंट्स सलमान खान के शो पर आए। और ये क्या, यहां सलमान इन टैलेंटेड किड्स के साथ चौगाड़ा गाने की बीट्स पर नाच रहे हैं। पूरा स्टेज रंगों से भर गया, और ये वाइब्रेंसी घर के अंदर भी पाई गई जब मेहमान घर के अंदर गए और कंटेस्टेंट्स को एंटरटेन करने लगे। तो अब बिग बॉस 12 के इस अमेजिंग नवरात्रि स्पेशल एपिसोड के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। कई सारे हर्डल्स का सामना करके भी फिल्म भारत की शूटिंग जुलाई में शुरू हुई, और मुंबई के स्केड्यूल के बाद टीम माल्टा में अपने दूसरे स्केड्यूल को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकी। अब ये फिल्म अबू धाबी में अपने तीसरे स्केड्यूल की शूटिंग कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्म मेकर अली अब्बास जफर अपने लोकेशंस को लेकर काफी पर्टिकुलर है, तो उन्होंने एक क्रूशियल सीन को शूट करने के लिए मेजात बॉर्डर पोस्ट को चुना। अब ये लोकेशन तो ओमान के बॉर्डर के काफी करीब है, और इसके चलते यहाँ सेफ्टी के इश्यूज भी हो सकते थे। जब यूएई आर्मी को ये पता चला, तो उन्होंने इस फिल्म की कास्ट और क्रू को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। और अब यूएई की आर्मी सलमान और कटरीना के शूटिंग के दौरान उन्हें गार्ड करते नजर आ रहे हैं। वाकई में यूएई आर्मी का ये जेस्चर तारीफ के काबिल है, और हमें यकीन है कि सबके कलेक्टिव एफर्ट्स और गुडविल के चलते फिल्म भारत यकीनन नई ऊंचाइयां छुएगी, है ना? एक वो भी फैमिली इन्वॉल्व है, और एक क्लियर कट सलमान खान की भी फैमिली इन्वॉल्व है। चार फैमिली लगी पूजा मिश्रा को इतने सालों तक स्ट्रैंड करने के लिए, पर आज मेरे पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, उन्हें भी मार दिया गया, पर अब मैं नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे डर नाम की चीज बची नहीं है। आई एम नॉट स्केर्ड, आई डोंट हैव एनी फियर लेफ्ट। किस चीज का डरू? कोई तरीका बचा है? जिस तरीके से आपने मुझे ऑलरेडी एक्सप्लॉइट नहीं कर रखा, तो मैं डरू किस चीज का? मेरे को तो अब मौत का भी डर नहीं है। मैं इस मुकाम पे खड़ी हूं अपनी जिंदगी में। आई एम एन अनमैरिड गर्ल, आई वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू माई फादर। यू किल्ड हिम, दे किल्ड माई फादर, बिकॉज मिस्टर वी एन दूत ओज हिम क्रोज, और वो क्रोज सिन्हाज खान्स एंड नारंग्स खुद हथियाने के लिए उन्होंने मेरे पापा को मार डाला। जी हाँ, जी हाँ, सलमान खान की फैमिली से उनके ब्रदर्स, उनके पेरेंट्स, उनके फादर शायद, काफी हद तक इन लोगों ने मिलके मुझे बहुत बुली किया। हाँ, नहीं शायद नहीं, आई एम प्रीटी कंफर्म्ड अबाउट इट। उनके एक्शन से आपको नजर नहीं आता? अब एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ, ये बात शायद आप सबको पता होगी। व्हाट वाज दैट? आई एम द डॉटर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आई कम फ्रॉम एन एजुकेटेड रिस्पेक्टफुल फैमिली, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, आई एम अ वर्कोहॉलिक, मेरे को अपने काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
आप मेरे को अपने रियलिटी शो पे बुला रहे हैं एज अ गेस्ट, एज अ पार्टिसिपेंट. आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख के मुझे साइन कराया कि आप मेरा वहां रेप करने वाले हो, मैं चुप बैठूंगी. What was that? I was raped on the sets of Big Boss 5. And after that, they banned me from the show. Why? When I'm a popular contestant, people from Pakistan, people from Belgium, people from Malaysia, people from Mauritius keep messaging me on social media. Hum aapko Big Boss pe wapas dekhna chahte hain. Mujhe kyun nahi bulaya jata wapas Big Boss pe? Ye kiski hierarchy hai? Kiski monopoly hai? जिसके अंदर मुझे दब के जीना पड़ रहा है. क्योंकि आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है दैट वी हैव टू ब्रेक द हायरार्की. द रिच विल कीप गेटिंग रिचर, द पुअर विल कीप गेटिंग पुअरर. अगर ऐसे ही हालात बने रहे. कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी बिग बॉस अपने सभी कंटेस्टेंट्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है और हर सीजन में क्यूपिड किसी न किसी कंटेस्टेंट को स्ट्राइक कर ही देता है. जहां कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि सबको लगता है वो इविक्शन से बचने के लिए बने हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो सच्चे होते हैं. यहाँ हम लाए हैं एक ऐसी ही जोड़ी, प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की, जिन्हें बिग बॉस 9 के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया. यहाँ से प्रिंस का लक बदल गया और शो को जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही गई. मगर अगर कुछ नहीं बदला तो वो था उनके और युविका चौधरी के बीच का प्यार. शो के 3 साल बाद इन दोनों ने 12 अक्टूबर को एक दूसरे से शादी कर ली. उनकी शादी और रिसेप्शन एक बड़ा अफेयर रहा जहाँ कई सारे टेलीविजन और फिल्म स्टार्स मेहमान बनकर गए. हालांकि सलमान खान इन सेलिब्रेशंस का हिस्सा नहीं थे, वो इस प्यारे से कपल को कॉल करके विश करना नहीं भूले. प्रिंस और युविका दोनों ही सलमान के कॉल से काफी खुश हुए और अब उनकी विशेस के बाद हमें यकीन है कि ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश रहेंगे, है ना? फिलहाल बस इतना ही. मगर एंटरटेनमेंट की दुनिया की कई और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए. सलमान खान वाकई में काफी टैलेंटेड और एंटरप्राइजिंग है. एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग जैसे आर्टिस्टिक परसूट्स के अलावा वो कुकिंग जैसी कई और चीजों को भी बखूबी कर लेते हैं. उनकी फिट बॉडी के कारण उन्हें सभी अपना फिटनेस आइकॉन भी मानते हैं और उनका बीइंग ह्यूमन ब्रांड भी कई क्षेत्रों में ट्रेंड कर रहा है. वेल, आप खबर आई है कि सलमान ने जिरेल फिटनेस से 100% मैन्युफैक्चरिंग राइट्स अक्वायर कर लिए हैं. ये कंपनी 100 से भी ज्यादा जिम्स में फिटनेस इक्विपमेंट सप्लाई करती है. वेल, तो अब इस डील को क्रैक होने के बाद सलमान खान जल्द ही अपना खुद का बीइंग ह्यूमन जिम इक्विपमेंट लॉन्च करेंगे और ये देखकर हमें यकीन है कि उनके फैंस का फिटनेस लेवल तो जरूर बढ़ने वाला है ना? कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 को शुरू हुए एक महीने से भी कम हुआ है और ऑलरेडी कई सेलिब्रिटीज इस शो पर मेहमान बनकर आए हैं. शो के पहले वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान के जुड़वा 2 को स्टार वरुण धवन शो का हिस्सा बने और फिर आए तब्बू और आयुष्मान खुराना जो अपनी फिल्म अंधाधुन को प्रमोट कर रहे थे. उनके साथ डेब्यूटांट्स आयुष शर्मा और वरीना हुसैन भी अपनी फिल्म लव यात्री को प्रमोट करने शो पर आए थे. फिर तीसरे वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान अपने पार्टनर को स्टार गोविंदा के साथ रीयूनाइट हुए जब वो अपनी फिल्म फ्राइडे को प्रमोट करने शो पर आए. और अब शो के चौथे वीकेंड के वार सेगमेंट में सलमान अपने प्यार किया तो डरना क्या को स्टार काजोल के साथ रीयूनाइट होंगे, जिनकी फिल्म हेलीकॉप्टर ईला कल ही रिलीज हुई है. काजोल घर के अंदर जाकर धमाल करने वाली है और स्टेज पर भी सलमान के साथ उनकी बैंटरिंग देखने लायक होगी. तो क्या आप भी बिग बॉस 12 के इस वीकेंड का वार सेगमेंट की मस्ती और धमाल देखने के लिए एक्साइटेड है? हमें जरूर बताएं.